अब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा देवेंद्र जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ अपना कलाम पेश करने का मौका दिया, और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ जो इस लाइफ से जुड़े हैं। डॉक्टर अरशद अब्दुल हमीद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, देवेंद्र जोशी जी नज़र आ रहे हैं, शकीला बानो दिखाई दे रही हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। वक्त हो चुका है तमहीद की बातें करने के बजाय हम सीधे कलाम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि वादिये गुल में हो अनवार की बारिश जैसे, वादिये गुल में हो अनवार की बारिश जैसे, कितना दिलकश है मेरे ख्वाब का मंजर देखो, कितना दिलकश है मेरे ख्वाब का मंजर देखो। शायर दर हकीकत ख्वाब देखता है और उसके वो ख्वाब उन ख्वाबों से अलग होते हैं जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं, सोते हुए में देखे जाते हैं, बल्कि वो ख्वाब देखता है जो ज़िंदगी को किसी ना किसी तरह से हसीन बनाने के ख्वाब होते हैं। मैं अपनी गज़लों के कुछ अशार, मुंतखब अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मतला के मेरे सिवा भी कोई तमाशाइयों में था, मेरे सिवा भी कोई तमाशाइयों में था, जब रक्स से ख्वाब आँखों की अंगनाइयों में था, जब रक्स से ख्वाब आँखों की अंगनाइयों में था। बहुत बहुत शुक्रिया आशा साहब, कि मेरे सिवा भी कोई तमाशाइयों में था, जब रक्स से ख्वाब आँखों की अंगनाइयों में था। कैसा कमाल दर्द के मिजराब ने किया, कैसा कमाल दर्द के मिजराब ने किया, एक नगमा बेसदा मेरी तन्हाइयों में था। कैसा कमाल दर्द के मिजराब ने किया, एक नगमा बेनवा, एक नगमा बेसदा मेरी तन्हाइयों में था। और शेर देखें कि आई नए ज़मीर में देखा तो ये खुला, आई नए ज़मीर में देखा तो ये खुला, जिंदा मैं अपने झूठ की सच्चाइयों में था। आई नए ज़मीर में देखा तो ये खुला, जिंदा मैं अपने झूठ की सच्चाइयों में था। स्वागत है कल्पना गोयल साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तशरीफ़ लाई हैं आप, आपका शुक्रिया। शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि उस शहरे नौ मिजाज का मैं क्या बयां करूं, नौ मिजाज का मैं क्या बयां करूं, उस शहरे नौ मिजाज का मैं क्या बयां करूं, हर शख्स अपने आप के शैदाइयों में था, हर शख्स अपने आप के शैदाइयों में था। शेर देखें कि पलकों के साहिलों से उतर कर तो देखते, पलकों के साहिलों से उतर कर तो देखते, कैसा तिलिस्म आँखों की गहराइयों में था,
कैसा तिलिस्म आँखों की गहराइयों में था, और पसपाइयों की धूप तो हर समत थी, मगर पसपाइयों की धूप तो हर समत थी, मगर मेरा कयाम शौक की परछाइयों में था। मेरा कयाम शौक की परछाइयों में था। और एक वो शेर देख लें कि एक दायरे में एक दायरे में आँखों की दुनिया सिमट गई, एक दायरे में आँखों की दुनिया सिमट गई। अंदाज ऐसा हुस्न की अंगड़ाइयों में था, अंदाज ऐसा हुस्न की अंगड़ाइयों में था। और ये गज़ल दूसरी, उसके कुछ शेर देखें। फिर एक मतलब मुलाहजा कर लें कि वो जिस ख्याल ने बख्शी थी राहतें सारी, वो जिस ख्याल ने बख्शी थी राहतें सारी, उसी ने ढाई है मुझ पर कयामतें सारी। वो जिस ख्याल ने बख्शी थी राहतें सारी, उसी ने ढाई हैं मुझ पर कयामतें सारी, उसी ने ढाई हैं मुझ पर कयामतें सारी। और शेर देखें कि हुई हजार अजाबों की बारिशें, लेकिन हजार अजाबों की बारिशें, लेकिन हमें भी याद थी रहमत की आयतें सारी, हमें भी याद थी।